सिंध पाकिस्तान की कड़कड़ाती ठंड में ये बुजुर्ग महिला 26 दिसंबर से पुलिस थाने के बाहर बैठी है, इस उम्मीद में कि शायद पुलिस वालों को थोड़ा रहम आ जाए और वो उसके बेटे की हत्या और बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कर लें। कसूर सिर्फ इतना कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हिंदू शहरी है। हिंदू होना पाकिस्तान के शरिया समाज में आज सबसे बड़ा गुनाह है। बेहोश थी वो उनके मारे मत संभ गुसा छोक खी बदी वह मुझे छोकर इतने कत्ल पके थे कर मामला सिंध प्रांत के उमरकोट जिले के कुंडरी गांव का है। नवंबर महीने में अब्दुल्ला खोसो नाम के एक लोकल गुंडे ने लालू कच्ची की 25 साल शादीशुदा बहन को जबरन अगवा कर लिया था। जान की धमकी और दबाव के बावजूद भी लड़की ने कोर्ट में अगवा करने वाले अब्दुल्ला के खिलाफ बयान दिया और अपने परिवार के साथ वापस भेजने की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद लड़की परिवार को लौटा दी गई, लेकिन 26 दिसंबर को अब्दुल्ला खोसो अपने गुंडों के साथ फिर से उनके घर में घुसा और लड़की को फिर से जबरन अगवा कर लिया। भाई लालू ने रोकने की कोशिश की तो उसे मुस्लिम गुंडों ने रोड से जमकर पीटा। बिना बेहतर इलाज की सरकारी अस्पताल में एक हफ्ता जूझने के बाद लालू ने 1 जनवरी को दम तोड़ दिया। घर में बची सिर्फ एक बुजुर्ग माँ जिसने 35 साल जवान बेटे को गवा दिया और बेटी कहाँ है, किस हालत में है, कोई खबर नहीं। बुजुर्ग माँ के साथ थाने के बाहर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आस पड़ोस के दूसरे हिंदू भील जनजाति के परिवार भी बैठे हैं, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ ये घटनाएं रोजमर्रा की बात है। कहीं 43 वर्षीय विधवा दया भील का बलात्कार कर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो कहीं कराची में 23 वर्षीय उर्मिला को सरेआम अगवा कर लिया जाता है। हर रोज एक नए हिंदू परिवार का शिकार, फिर सन्नाटा, चारों तरफ चुप्पी, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू होने का गुनाह क्या है तो शरिया की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी।